पाई परत सजनी के मुंह जित सो हाहा खानी। ललिता जी कहती हैं कि देखो ये सेवा मैं तुझको देंगी नहीं, प्रिया जी हमको दी है, यदि पता चल जाएगा कि ये सेवा तुम कर रहे हो तो हम तो डांट पड़े, हमको सेवा से निष्कासित होना पड़ेगा। इधर प्यारे श्याम सुंदर बड़ा भारी कातर दृष्टि से प्रिया ललिता जी से प्रार्थना करते हैं, तो ललिता जी प्रसन्न होकर के भाई कृपाल लाल पर ललिता दया किया मुस्कान। ललिता जी प्रसन्न होकर के प्रिया जी श्याम सुंदर को कही ठीक है आ जाओ। आज्ञा दई सखी को प्यारी मुख पर मुख ऊपर पटता है, प्रिया जी अपने मुख के ऊपर पट डाल करके सो गई और ललिता जी धीरे से इशारा करती है कि तुम आओ सेवा करो और प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी का चरण दबाने लगे। इसके बाद प्रिया जी सोए सोए ही कहती है कि ये ललिते तुम कुछ गीत गाओ। कैसे गीत गाए तो बीन बजाए गाय कछुतान, मुझे नींद नहीं आ रही है थोड़ा कोई पद गा। ललिता और प्यारे श्याम सुंदर वो तो समझ रहे हैं, प्रिया जी समझ रही है कि श्याम अरे ललिता जी चरण दबा रही है और ललिता जी को आदेश मिल गया कि अब थोड़ा गीत गाओ। बीन बजाए गाय कछुतानन जो उपजे सुख सारे, कुछ प्यारे श्याम सुंदर की लीला चरित्र का गान करो जिससे हमें कुछ सुख मिले। और ललिता जी लगी चक्कर में अब क्या किया जाए, यहाँ प्यारे श्याम सुंदर हैं और हम तो सेवा से अलग हैं। बार बार जब प्रिया जी कही तो गामन लगे रसिक मनमोहन, अब तो हाथ ही नहीं ललिता जी थी नहीं, तो प्यारे श्याम सुंदर गामन लगे रसिक मनमोहन तब जानी महारानी। तब प्रिया जी समझ गई कि अरे ये कौन है, ललिता नहीं ये तो है। उठी बैठी श्री व्यास के स्वामिनी वृंदावन को रामिया। उसी समय प्रिया जी अपने मुख में जो पान था उस पान को निकाल करके प्यारे श्याम सुंदर को इतनी बड़ी सेवा। और प्यारे प्यारी जी और प्यारे श्याम सुंदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उस बात को अब ललिता जी सखियां कुंज रंग से देखते हैं। कैसे प्यारे श्याम सुंदर से प्यारी किशोरी जी बात कर रही, परस्पर कृपाल चिते करुणामय लोचन कोर अली ललन की बतिया चोट सनिया। प्रिया जी का मुखमंडल कितना सुंदर है, उससे मुख से वाणी निकल रही है, उस वाणी को प्यारे श्याम सुंदर अपने कर रंध से श्रवण कर रहे हैं। उमंग ढरे दो सूरत सेज पर टूटी तनक तनिका, एक दूसरे से दोनों लिपट करके प्रिया जी की उस वाणी को सुनते हैं। परम उदार व्यास की स्वामी बख्शित मौज इस रस को, रसिक शिरोमणि प्यारे श्याम सुंदर इस रस का स्वादन करते हैं और आस्वादन करके प्रिया जी को सुख देते हैं, प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को सुख देते हैं और दोनों मिलकर के सखी सहेलियों को सुख देते हैं। देखिए उसी रस जो प्रिया जी अपने मुख से तांबूल निकाली थी उसी तांबूल का याचना यहाँ पर कौन कर रहा है, तुलसी मंजरी कह रही है। स्वमुखान सन्मुखे देवी कदा तांबूल चर्चितम स्नेहात सर्व दिशो वीक्ष समये त्वं प्रदास्यसि। उस समय तो चोरी से देना पड़ेगा क्योंकि वहां सभी सखियां हैं, कहीं देख न ले कि प्रिया जी तुलसी मंजरी को यह तांबूल चर्चित दे रही हैं। तो स्नेहात सर्व दिशो वीक्ष, प्यारी जी स्नेह बस चारों तरफ देखती हैं और देख करके एकांत में त्वं प्रदास्यसि उनको देंगी, यही पर यहाँ पर कह रहे हैं पुरस्कार देना है तो परम अस्वाद्य वस्तु ही क्यों गरीब को देनी चाहिए। जब इतनी बड़ी सेवा की है, समर युद्ध में जो गीम का गले का जो माला टूट गया है, तुलसी मंजरी आकर के उसको पिरोई है और हमारे गले में पहना दी है, तो इसको कोई अस्वाद्य वस्तु देना चाहिए। सबसे सुंदर क्या है, कृष्ण अधरामृत सिक्ष तांबूल जो हमारे मुख में है वही सीधे सीधे इस दासी को देना चाहिए। वह तो स्वामिनी के अधरामृत की ही चीर भिखारी है, मंजरियां तो श्री कृष्ण के अधराशों को कभी पान करती नहीं है, वो तो प्रिया जी के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ खाती नहीं है। तो प्रिया जी अपने मुंह से निकाल करके श्रीमती कृष्ण अधरामृत को छोड़कर और कुछ भी, देखिए प्रिया जी भी कृष्ण अधरामृत को छोड़कर कुछ नहीं खाती हैं।
ये चिरका में है कोटि दासी सुवत्सला स्वामिनी किंकरी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सभी की तरह देख करके अपने मुंह से तांबूल निकाली और निकाल करके किसको दे दी? तुलसी मंजरी को। तुलसी मंजरी जेब ही अपने मुख में पान लेती है तो देखती है तो कुछ नहीं। यहाँ स्वामी जी तो लीला चिंतन की बात है, वो रोदन भरे कंठ से प्रार्थना कर रहे हैं। अन्य कौन जन पाछे करे दर्शन, यही हेतु सर्वदीप करे निरीक्षण। उस समय कोई सखिया थी तो सब तरह देख करके, जथा काले तुम्ही देवी चर्बी तांबूले नीच मुख हैते मोर मुख्य दिवत चले। सबको देखते देखते ही तुम अपने मुंह से तांबूल निकाल करके चोरी से हमारे मुख में कब डालोगी? कब ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा? इस प्रकार कह करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर विलाप कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब आप लोग कुछ कहिए, कुछ कहने की इच्छा है? इतना दिन तो सुने, कुछ कही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो एकांत में रहा है उसको भीड़ अच्छा लगता है कि नहीं? सीतानाथ बाबा जी कह रहे थे कि तुमको कैसे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो साधन है, साधन दो है। एक महात्मा से पूछा गया कि तुम क्या करेगा, कहेगा एकांत में जाकर मैं आपका चिंतन करूंगा। एक महात्मा कहता है कि मैं चांदनी चौक पर जाकर आपका प्रेम करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे अपने को भूलने वाले आनंद के लाल, तुम पागल की तरह कहाँ दौड़ रहा है? आ जा मेरे आनंद में साम्राज्य में आ जा। मेरे पास आने का बड़ा सुंदर उपाय है, यहाँ रोग शोक दुख जाला यंत्रणा कुछ भी नहीं, केवल आनंद केवल परमानंद। लौटने का उपाय भी अति सहज सरल सुगम, केवल नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। नाम रूपी मुझ में अनन्य भाव से आश्रय है, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। एकांत में, कोलाहल में, भीड़ में, जहां तुम्हारी इच्छा है मेरे नाम का आश्रय ले, फिर तुझे कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं सब कुछ दूर कर दूंगा। और देख, नाम में भक्ति श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं। आज चर्चा कर रहे थे ना कि श्री कृष्ण का जो नाम है, कैसे कैसे था प्यार, कैसे बोले थे, क्या कोई कौन जोर से खड़ा हो गई, आज सुबह प्रश्न पूछे बाबा सीतानाथ बाबा से कि हरे कृष्ण कहने जो कहता है ऐसे, तो दीक्षा पूरा शरण आदि ना करें, विचार केवल जीव के स्पर्श करने से काम देते हैं। तो सीतानाथ बाबा कहे कि ना, हरे कृष्ण कहने से नहीं होगा। महाप्रभु कहे हैं कि दीक्षा पूरा शरण आदि ना करे विचार, हरे कृष्ण कहने से तुझको मुक्ति मिल जाएगी, वैकुंठ मिल जाएगी, लेकिन सेवा नहीं मिलेगी। यही कहना, दीक्षा बिना दीक्षा का यदि कोई नाम रटता है तो उसको वैकुंठ मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन सेवा नहीं होगी। सेवा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुग्रह। जो कृष्ण नाम कीर्तन कर देता है, करता है, तो भगवान कहते हैं बेटा चलो वैकुंठ में जाओ, लेकिन अपनी सेवा नहीं। जो तुलसी मंजरी जो पान की सेवा कर रही है, प्रिया जी को चामर, वो किसी को नहीं रखते हैं, कीर्तन करने वालों को भगवान, फिर कीर्तन करने वालों को क्या होगा, फिर उसकी ऐसी सद्बुद्धि होगी किसी महत पुरुष की शरण में जाएगा, अब महत पुरुष कृपा करके उसको जब सेवा देगी तब प्रिया जी सेवा से। आज बाबा जी बोले ना ऐसे करेंगे तो जीवों के चित्त को आकृष्ट करने के लिए ये सब बात है। नाम रटो, नाम रटो, नाम नाम रटो, तो नाम रटते रटते ऐसी इच्छा हो जाएगी कि बस। महात्मा लोग कहते हम करोड़ों वर्ष नरक में रहे ठीक है, लेकिन हमको मुक्त मत कर दे, क्योंकि सेवा से मैं वंचित हो जाऊं। वैकुंठ में भी वो सुख नहीं है जो सुख सेवा में, और प्रिया जी सेवा सबको अपना देती नहीं। निकुंज के दरवाजा पर कोई नाम रट कर आ गया, पूछेंगे प्रिया जी तू कहाँ से आया है, किसके माध्यम से आया है, कहेगा किसी के माध्यम से नहीं, तो चलो। और जिसके माध्यम से गया है तो वो कहाँ है, तो प्रिया जी की सेवा में, चलो। तो इस तरह यदि करेगा, और नाम लेने के लिए कैसे भी तरह नाम रूपी मुझ में अनन्य भाव से आश्रय ले, फिर तुझे कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं सब कुछ कर दूंगा। और देख, नाम में भक्ति श्रद्धा की भी इच्छा नहीं है, जिस किसी प्रकार से भी मेरा नाम श्रवण कीर्तन करने से तू कृतार्थ हो जाएगा, सेवा प्राप्त नहीं होगा। सदाचारी को क्या कहना, दुराचारी भी मेरे नाम रटने से सालों की मुक्ति प्राप्त कर लेता। दुराचारी व्यक्ति भी, सदाचारी की तो बात ही क्या है, दुराचारी व्यक्ति भी अजामिल जैसे, गणिका अजामिल गिद्ध व्याध कसादी तब तारी घना। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, किरात होलांध पुलिंद पुरकसा आभीर कंका जवना कसादय एने च पापा जदुपा श्रेयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुवेण। सुखदेव जी कहते हैं कि सदाचारी कृष्ण नाम संकीर्तन करे, इसकी तो बात ही क्या है, कौन दुराचारी किरात हूर अंधक आभीर कंक जवन हस इत्यादि पापी जीव भी यदि मेरे नाम का आश्रय ले ले तो उसको मैं मुक्त कर देता। मेरा यह सत्य वाक्य श्रवण कर मानव एक बार मेरे नाम लेने से मेरे समान हो जाता है। तो हम लोग बार बार नाम लेते हैं, क्यों नहीं समान हो जाते हैं, है होगा प्रश्न ना। यहाँ पर भगवान कहते सकृत उच्चार मम नामों में तुल्य जायते नरा, एक बार भी जो कृष्ण नाम ले ले तो मेरे समान हो जाते, मेरे समान माने सारूप की सारी मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी प्राप्त कर लेता है।
तो हम लोग तो बार बार नाम लेते हैं, क्यों नहीं होता है? तो हम लोग नाम नहीं लेते, जितने लोग हैं नाम नहीं लेते, या तो नामापराध लेते हैं या नामाभास लेते हैं। नामाभास मुक्ति है सर्वशास्त्र पर। नाम एक बार उसी नाम निकालने के लिए बार बार नाम रटा जाता है कि कदाचित वह आर्थ भरी दृष्टि से एक बार कृष्ण नाम निकल जाए, बस वो लेने से ही मेरे नाम कल्प तरु मूल में तो जो जो चाहेगा वही तुझको प्राप्त होगा। नाम संकीर्तन करके तुम्हारी जो इच्छा है वो मिल जाएगा। इस संसार में भी हम लोग प्राय देखते हैं नाम रटने वाले सुख प्राप्त कर लेते। ध्रुव को देखिए, ध्रुव सगलानी जब देव हरि नाम। ध्रुव महात्मा बनने के लिए भजन नहीं किया था। ध्रुव क्यों भजन किया था? अपने सौतेली माँ के बात से दुखी होकर के भगवान का नाम लिया और उसी दुखी होकर नाम रटा, आज क्या हो गया? वो वैकुंठ के दरवाजे पर बैठा है, भगवान का सेवा प्राप्त नहीं किया है, ध्रुव लोक को प्राप्त किया है। ध्रुव सगलान जपेव हरि नाम। तो भगवान का एक बार नाम लेने से वैसे प्राप्त कर लेते हैं। इस कलिकाल में नाम संकीर्तन ही, नाम संकीर्तन यदि किसी महत्पुरुष के अधीनस्थ होकर कोई सब जीव करता है तो उसको प्रेम लाभ प्राप्त हो जाता है और प्रिया जी का सेवा का अधिकारी बन जाता है, नाम यहाँ तक पहुँचा देता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तन्नास्ति कर्मजं लोके वागजं मानसमेव जन्नत छपयते पापं कलौ केशव कीर्तना। कहते हैं कि इस संसार में कोई ऐसा मान कर्म और शरीर जनित पाप नहीं है जो भगवान नाम संकीर्तन से कटने। देखिए भाई, शरीर से तो लोग बहुत कम पाप करते हैं, सबसे अधिक पाप किसे करते हैं? मन से ना, शरीर से कम। कहते हैं तन्नास्ति कर्मजं लोके वागजं मानसमेव जन्नत छपयते पापं कलौ गोविंद कीर्तना। इस संसार में कोई ऐसा मन कर्म शरीर जनित पाप नहीं है जो भगवान नाम संकीर्तन से कट रहे, सब कट जाता है। इसलिए तुम उठते बैठते खाते सोते अभाव में बाहुल्य में उपेक्षा में श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से भीड़ में एकांत में स्वप्न में जागरण में तुम मेरा नाम ले, मैं सत्य प्रतिज्ञा कह के कहता हूँ मैं तुम्हारा सब पाप वहन कर दिया। लेकिन जो भगवान का नाम रटता है तो भगवान को जिम्मेवारी हो जाती है। जो भगवान का नाम रटता है तो भगवान सोचते हैं मैं क्या करूं तो उसका पाप ले, जो नाम रटता है उसका सब पाप ले। आज बाबा एक बात बहुत सुंदर कहे कि देखो, राधा रानी को कोई काम नहीं, सरस्वती को काम है, पार्वती जी को काम है, लक्ष्मी जी को काम है, इस ब्रह्मांड में सबको कुछ न कुछ काम है, लेकिन राधा रानी का कोई काम नहीं। राधा रानी किसी भक्त के पास जाए उनका कोई वो नहीं, कभी उसकी इच्छा है तो जो मन करे वो करे, लेकिन उनके ऊपर कोई काम नहीं। कृष्ण और राधा रानी इन दोनों को कोई काम नहीं, सब विभाग बांट दिए ब्रह्मा को शिव को देवी देवताओं को, राधा रानी और कृष्ण को कोई सेवा है? उनके में क्या सेवा है? राधा रानी और कृष्ण का कोई सेवा नहीं, कृष्ण का कोई वो प्रिया जी कृपा करके किसी संत के पास अपने प्रेमी भक्तों के पास आ जाए तो आ जाए, उनकी बस्ती भगवान कृष्ण उन पर भी जोर नहीं देते, तुम क्यों नहीं जाते? वो खुद चले जाएंगे लेकिन राधा रानी नहीं जाए, उनकी स्वेच्छा है। वो राधा रानी का केवल एक ही काम है, रात दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संग, बस चौबीसों घंटा प्रिया प्रीतम का एक ही काम है, अपने रस में ही बदल और उस रस का छीटा थोड़ा सा अन्य देवी देवताओं को मिलकर दूर से भी देख लिए बस उनका काम हो, इससे अधिक और नहीं। इसलिए कहते हैं उस रस को यदि तुझको प्राप्त करना है तो तस्मा नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानस। अपने गुरुदेव में अपना निष्ठा रख करके उनके नाम का आश्रय लो। नाम युक्तो प्रियस्माकं नाम युक्तो भवार्जुनम्। नाम युक्त होकर के उनका नाम अनवरत लिया करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shakhi Manjariyon ki sabse badi sampatti kya hai? आपका क्या संपत्ति है? हम लोग का क्या संपत्ति है? हमारी संपत्ति दंपति के सब गाएंगे हमारी संपत्ति दंपति के दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ सुख सागर की रेल हमारी संपत्ति दंपति के अमित अनुपम यद्भुत इस प्रियालाल का जो बिहार है इसकी तुलना कोई कर नहीं सकता अतुलित अमित अनुपम यद्भुत अमित अनुपम यद्भुत रस की ठेला ठेल रस की ठेला ठेल हमारी संपत्ति दंपति के संपत्ति भगवत रसिक त्रिगण में दीनी 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 श्यामा श्याम श्यामा श्याम सके हमारी संपत्ति दंपति के हमारी संपत्ति दंपति के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे करके विषय से दूर कोई विषय को छोड़कर फिर साधना करते दोनों में कौन अच्छा है एक तो साधना करके विषय को त्याग देते और एक विषय को छोड़कर फिर साधना करते हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Ram, Ram.
उसको पार करा दिए, उसका मन संसार में जाएगा। अब छोड़ना चाहे तो बेचारा छोड़ेगा, भगवत एक बार भगवत प्रेम जिसको मिल गया। अब गोपियां चाहेंगी कि हम किसी से बात कर लें, उनका मन ही नहीं करेगा बात करने का। एक बार जो श्री कृष्ण से बात कर लिया, श्री कृष्ण के अधराशव को पार कर लिया, उनकी मदमाती चाल को देख लिया, अब उसका नेत्र कहीं जाएगा। यहीं पर भगवत रसिक जी कहते हैं, नैना देखो और नहीं। अब क्या हमारा आंख कुछ देखने का मन नहीं करता? एक बार श्री कृष्ण के रूप माधुरी का जो अवगाहन कर लिया, अब संसार में कुछ देखने लायक मिलेगा? क्योंकि सौंदर्य के राशि ने उसके नेत्र को चुरा लिया, अब कोई रहेगा नहीं। नन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, कान अब कुछ सुनना नहीं चाहिए, घ्राण सुनो और कछु रसना कहो नहीं और। अब नाक भी कुछ सुनना नहीं चाहता है और जीभ भी कुछ खाना नहीं चाहती, रसना कहो न और त्वचा परसो नहीं और। रसना से कुछ करने की, चाखने की इच्छा नहीं होती और त्वचा से कुछ स्पर्श करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि कुंज विहारी केल झेल इंद्रियम सब ठहर। प्रियालाल के उस दिव्य विहार ने हमारे सब इंद्रियों को शिथिल कर दिया, अब हमारी इंद्रियां किसी लायक नहीं रही, संसार के लायक नहीं रही। इसी को लोग पागल कहते हैं, पागल कहते हैं ना, महात्मा को क्या कहते हैं, कहते ना पागल, यहाँ तो कोई नहीं कहता है। आपको कोई पागल कहा कि नहीं? कोई नहीं। जिसकी पत्नी पति को पागल कहने समझ जाए भगवान की भक्ति नहीं, कहती है ना पागल, पागल आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर पर रहकर कुछ भी काम न करें, चुपचाप बैठे रहे कीर्तन करें, दो दिन में आपको पागल करें, करें ना। घर से छोड़ने का बड़ा सुंदर तरीका, घर पर बैठे रहो केवल खाओ, खूब खाओ, एक भी काम न करो, खूब नाम रखो, तो घर के लोग कहेंगे पागल। ऐसे ही तो महात्मा बनते हैं, सनातन गोस्वामी ऐसे ही काम करना छोड़ दिए, राजा ने जेल में जाने, फिर पैसा से निकल कर भाई संसार से छूटना तो बड़ा सुंदर उपाय है। घर के बच्चे भी पेट है, भाग गया तो कोई काम नहीं करता है, कोई खाता है, सब महापुरुष ऐसे ही करते हैं। घर छोड़ना तो उपाय है, हम अपने से छोड़ेंगे तो कहीं निकल कर आ जाए, अब वो पीट कर निकालेंगे घर से तो निकल जाए, और कसूती कर यार पिटा कर आए फिर क्यों जाए वहाँ, ऐसा उपाय। कुंज बिहार केल झेल इंद्रियन सब ठहरे, भगवत रसिक अनन्य कोप उपदेशो सैननी, बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैन। बाहर से तो पागल रहो और भीतर से क्या रहो। हम उन संतन के दास जिन्होंने मन मार लिया, मन मारा तन बस में किन्ना, धर्म भया सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नहीं अंदर बरसत नूर। बाहर से तो कुछ दिखता नहीं, बाहर से क्या दिखता है पागल, अंदर क्या है, प्रियालाल के दिव्य विहार चल रहा है, संसार कुछ नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे करता है। ये नाम प्रिया जी के चरण कमल में वृद्धि बढ़ा देता है। प्रिया जी का अधराशव का जो प्रसाद है उसको पाने से
प्रिया प्रथम प्रियतम के दिव्य लीला में निमग्न हो जाते हैं। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को दर्शत ही मन मूल बढ़ावत परसत पाप हरत ही हो पावत परम प्रेम उपजावत भूलवत भाव पुरस प्रिय को। प्रियालाल के चरण कमल में जब दिव्य प्रेम हो जाता है तो मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ ये भाव ही मिट जाता है, वो रहता ही नहीं अपने आप को। भगवत रसिक भाव को भूषण तिहि छिन्न होत जुगल जीव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम गतवती सखी वृंदे मंदत्र पाभर निर्भर स्मर सर्वसात्कूतस्फीतस्मित पितादरं सरसमनसं दृष्ट्वा राधा मुहुर्नव पल्लव प्रसव शयने विषिक्ताक्षी मुवाच हरि प्रियां। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। सखी वृंदे गतवती, आज की जो लीला है रघुनाथ दास गोस्वामी की, सखी गतवती प्रियालाल जब निवृत्त निकुंज में आए तो सखियां वहां से चलती। सखी वृंदे गतवती सती हरि मंद कृपा भर निर्भरा, प्रिया जी को प्यारे श्याम सुंदर को देख करके प्रिया जी मंद मंद लज्जा से भार के पैदा होने वाले उनके प्रेम के अधिक विचित्र हो गई। सरस मनसा वो नव पल्लव प्रसवे शयने विचिक्ताक्षी नूतन नूतन किसलय पुष्पों के द्वारा जो सैया बनी हुई है उस सैया पर प्रियाम राधा मिश्रा इदम वचनम उवाच। उस नव निर्मित निकुंज में प्यारी किशोरी जी को देख करके इस प्रकार कहने लगे। अब देखिए एक कौन गा रहा है सखिया। किशलय शयन तले गुरु कामिनी चरण नलिन विनिवेशम तव पद पल्लव मैरि पराभव निज मनुभवतु सुवेशम क्षण मधुना नारायण मनुगत मनु सर्वां राधिके। आदेश देती है किशलय शयन।